लखनऊ के बख्शी का तालाब में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर अवैध स्वयंसेवी संस्था की लापरवाही के चलते बच्चों के खाने में कीड़े निकलने से हड़कंप मच गया। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने अवैध स्वयंसेवी संस्था को भोजन वितरण का अधिकार दिया है, ऐसे में संस्था द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है और विद्यार्थियों को प्रदूषित भोजन दिया जा रहा है और ऐसे में स्कूल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कुंदन सिंह जी, आप कौन से स्कूल पढ़ते हैं? अच्छा, आज खाने में क्या दिखा आपको? कीड़ा। खाना भी किसी ने खाया कि नहीं खाया? किसी ने नहीं। अच्छा अच्छा, कौन से क्लास में हो? सेवन्थ। ये आपका अंश सिंह जी, कौन से स्कूल पढ़ते हो? कौन से क्लास में? सेवन्थ। आज क्या हुआ है खाने में? खाने में कीड़ा। अच्छा, ये खाना कहाँ से आता है? हमारे स्कूल में छोला और चावल आए थे, तो छोले में बहुत सारे कीड़े थे और वो कीड़े जो है इतने ज्यादा थे कि हमारे रसोईया के उल्टी होने लगी और उसने उसको फेंक दिया, हमने टोको डाला, उसने देखा तो किसी ने खाने ही नहीं दिया। आपने शिकायत की इसकी? जी, हम लोगों ने नहीं, उसमें डाल दिया था संकुल वाले पे फोटो।